मस्कार दादा जब हम ईश्वर से बात करने की कोशिश करते हैं तो कई बार समझ में नहीं आता कि कोई जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है और अगर कोई जवाब आता भी है तो वो क्या आता है वो भी समझ में नहीं आता स्पेशली जब हम बहुत लो और बहुत डिस्टर्ब होते हैं तो हमेशा ये एक्सपीरियंस होता है कि ईश्वर कोई जवाब दे भी रहे हैं या नहीं तो अभी मैं जवाब दूँ कि नहीं <laughs> पर आपको समझेगा नहीं समझेगा कोशिश करेंगे आ, बहुत बढ़िया का कोशिश करेंगे ना ईश्वर तो हमेशा जब हम देते ही ये हमें ऐसा लगता है कि शायद दे रहे नहीं दे रहे वो दूसरी साइड भी सुनिए कभी कभी आप जब मंदिरों में जाते हो ना ईश्वर की मूर्ति के सामने पहुंचते हो इसके पहले जब भी आप पहुंचे और ईश्वर से मांग रहे हैं कि ईश्वर पूरी झोली भर दे मुझे पैसों की जरूरत है पैसे चाहिए घर में शादी है बच्चों के एजुकेशन है ईएमआई है कुछ कर्ज लिया है घर चलाना है हाथ जोड़ के ईश्वर के सामने खड़े आप पैसे नहीं है तो जिंदगी नहीं है घर कैसे चलाए है ना या आप जब ईश्वर के सामने बैठते हो या मंदिरों में खास तौर पे लाइन लगाते लगाते पहुंचते हो और कह रहे हो कि मुझे जरूरत है पैसों की और पूरी आप एक कहानी जब बता रहे हो तब तक आपको धकेल के आगे भेज दिया जाता आपकी प्रार्थना ही नहीं रहे चलो 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 चलो। होता है ईश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहे जवाब देने से पहले चले गए तब तक दूसरा प्रश्न आ जाता दूसरी प्रार्थना पहुंचती है तो अभी वो सुनते हैं सुनते सुनते है। जब उनको सुनते हैं तब तक वो आगे फिर वो आगे तो ईश्वर प्रार्थना पूर्ण कैसे करेंगे प्रार्थना पहुंचती है ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचती प्रार्थना पहुंचती जहां पर भी आप प्रार्थना पहुंचती है पर ईश्वर को जब जवाब देना है तो अपने तरीकों से पहुंचाते अलग अलग तरीकों से पहुंचाते ईश्वर तो कहीं पर भी आप मन से प्रार्थना करेंगे तो जरूर पहुंचता है वो तो प्रार्थना पहुंचती पहुंचती तो सुनते भी हैं वो तो सुनेंगे तो जवाब नहीं देंगे कि आपको क्या लगता है नहीं देंगे जवाब उन्होंने प्रश्न पूछा तो हम जवाब दे रहे हैं ना ऐसे नहीं कि हमने छोड़ दिया अभी चलो कोई और पूछ लो शुरुआत आपने की है तो ईश्वर रिस्पॉन्ड करेंगे तो ये गारंटेड जरूर है कि आप प्रार्थना करते हो जवाब आता ही आता है रिस्पॉन्स आता ही आता है किसी को शक है इसके ऊपर कि आप प्रार्थना करें ईश्वर फिर अपने कानों पर हाथ रखे नहीं सुनना नहीं सुनना नहीं ऐसे लगता है आपको कभी होगा ईश्वर प्रेम से बने हैं तो वो तो सुनेंगे ही सुनेंगे तो प्रार्थना पहुंचती है जवाब भी आता है फिर अगला जो प्रश्न आता वो है कि हमें कैसे समझेगा तो पहली बार तो विश्वास रखे कि ईश्वर ने जवाब दिया है पहला इस पर विश्वास रखे सबसे पहली बात कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं और किया है अब हमारे लिए प्रश्न ये है कि हमें समझा कि नहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा इसके ऊपर सोचना है ऐसा बिल्कुल मत सोचिए आपकी आपकी प्रार्थना नहीं पहुंची और ईश्वर ने कहा कुछ नहीं ईश्वर ने कुछ तो कहा है लाइट दादा दादाश्री जी की जो प्रतिमा है उसमें रिस्पांस छह सेकंड में आता है आप प्रार्थना करेंगे छह सेकंड में आपको रिस्पांस मिलेगा तो ये गारंटेड है कि रिस्पांस आएगा या आएगा कभी कभी ये होता है कि जवाब कुछ कारणों से रुक जाता है उस समय के लिए पर आपको उस समय पर फिर से जवाब मिलेगा कि शायद आप उस जवाब के लाज तैयार नहीं हो तो आपको जवाब बाद में पहुंचता है वो, पर इसका यह मतलब नहीं कि प्रार्थना सुनी नहीं है तो जवाब जो आता है वो अलग अलग माध्यमों द्वारा पहुंचता है किसी को आवाज सुनाई देती है किसी को भावनाएं प्रकट होती है भीतर किसी को चित्र दिखाई देता है किसी को सपने में दिखाई देता है किसी को अचानक कहीं पर पोस्टर कहीं मैसेज रिसीव कर लेते हैं जो पूछा है उसी के प्रति कि हाँ मैंने ये पूछा और उसके लिए मुझे ये जवाब मिला और जब वो जवाब आपको संकेतों द्वारा किसी न किसी माध्यमों द्वारा पहुंचाया जाता है तो आपके भीतर से आवाज आता है भीतर से आवाज आता है कि नहीं यही यही तो मुझे करना था जब दिल पूरी तरह से उसे मान लेता है कि यही वो मार्ग है जो मुझे करना था तो वो सही था वो सही निर्णय है और वो वही आपको ईश्वर ने बताया है आपका दिल आपका हृदय आपको बताता है कि यही मार्ग है अगर कुछ गलत है तो थोड़ा सा ऐसा अंदर भीतर से लगता है कि शायद नहीं ये, ये मेरे लिए नहीं है जब तक तो फुल कन्विक्शन नहीं आता स्पष्टता नहीं आती कि यही मुझे करना है तब तक आप इंतजार कर सकते हो तब तक प्रार्थना कर सकते हो कि मुझे क्या करना है कैसे करना है आगे कैसे बढ़ना है ये जॉब लेना है नहीं लेना है काम करना नहीं करना है बिजनेस करना करना नहीं करना है ये सारे प्रश्न आप अपने ईश्वर को पूछ सकते हो और सारे प्रश्नों के जवाब उत्तर मिलते ही मिलते हैं हमने विश्वास नहीं रखा आज तक यही फर्क है विश्वास रखेंगे जवाब मिलेगा संपूर्ण सृष्टि में सिर्फ आपके ऊपर अन्याय हो आपको ऐसा लग रहा है ईश्वर सिर्फ, सिर्फ आप ही से रूठ गए हैं ईश्वर सिर्फ आपको ही कृपा नहीं दे रहे संपूर्ण मानव जात जितने भी करोड़ों लोग हैं सबको बहुत प्रेम बहुत कृपा सिर्फ आप अकेले को छोड़ के ऐसा आपको लगता है उनके परिवार में आप नहीं हुआ ऐसा आपको लगता है क्या वो आपको अपना नहीं मानते हैं ईश्वर आपसे प्यार नहीं करते हैं आपको ऐसा लगता है कितने लोग कन्विंस्ड है कि ईश्वर मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते दिल से क्या लगता है आपको अच्छा नहीं करते फिर आज मान लेते हैं हम लोग नहीं करते हैं। करते हैं ना आप कितना ख्याल रखते हैं कभी एक बार बैठ के आप सोच के प्रश्न पूछेगा यहाँ पर भी आपको जो बातें हो जाएंगी ना आंखें बंद करके जरूर प्रश्न पूछेगा क्या आप मेरा ख्याल रखते हो तो बताओ कैसे और फिर जवाब आप देंगे आपको कब कब कहाँ का आपका ख्याल रखा गया आपको बताया जाएगा आप भूल जाते हो बस आपके मन से निकल जाता उतना ही तो नहीं है।, वो तो हमेशा आपके साथ है प्रेम तो निरंतर बहता है उस प्रेम को पकड़ते हुए चलेंगे आपको जवाब अपने आप ही समझ में आएगा यही तो है यही तो था और ये सांग से अभी बहुत और अच्छा बहुत बेहतर होगा सभी के लिए आप सभी के लिए और जो भी आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं और ईश्वर को सत्य के मार्ग से खोज रहे हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छा समय है जो आध्यात्मिक पथ पर भटक गए हैं उनको भी सही राह मिलने को शुरू होगा लोग धीरे धीरे अभी उस प्रकाश की ओर चलेंगे उस दिशा की ओर चलेंगे सत्य क्या है वो समझने का समय आ गया है ईश्वर है ये साबित हो गया ईश्वर कैसा है ये अभी हमें हाँ अनुभव करना है वी नो गॉड एग्जिस्ट बट हाउ इज इज द टाइम अभी हम हाँ अनुभव करेंगे सभी